नमस्कार, एस्ट्रो सेट टीवी में आपका स्वागत है। मैं आचार्य अनिल कुमार शर्मा। हम आज बात करेंगे कि 2022 हमारी राशियों के लिए कैसा रहेगा। आप मेरे से वार्ता पे बात करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं। बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जो स्वामी होते हैं वो शनि होते हैं। इनकी जो कद होता है वो हाइट लंबी होती है, इनकी कद लंबा होता है, पतले होते हैं, रंग थोड़ा सा इनका पक्का होता है, लेकिन ये लाइफ में बड़े ही प्रगति करते हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे करते हैं, धीरे धीरे प्रगति करते हैं, लेकिन इनको काम करने की एक अद्भुत लगन होती है। ये कंटिन्यू काम करने में इनको बहुत ही मज़ा आता है। सुबह काम पे लगा दीजिए, ये शाम तक काम करते रहेंगे। मैकेनिक, इंजीनियरिंग, इन क्षेत्रों में इनको बड़ी रुचि होती है। और इनके लिए 2022 कैसा रहेगा, मकर राशि वालों को धन के कैसे योग रहेंगे, मकर राशि वालों के संतान, एजुकेशन, दाम्पत्य जीवन किस तरह का रहेगा, इसकी चर्चा के लिए हम चलते हैं कि मकर राशि वालों के शनिदेव आपके लग्न में विराजमान हैं तो स्वास्थ्य संबंधित कष्ट हो सकते हैं। शुरू के 3-4 महीने अप्रैल तक, जब तक राशि परिवर्तन नहीं होती है शनिदेव की, तब तक स्वास्थ्य के लिए संवेदनशील रहें, खाना पीना परहेज से करें, और दूसरा दाम्पत्य जीवन में भी थोड़े मतभेद होने की संभावना है। शनिदेव की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ी है, उससे दिक्कत हो सकती है। धन के योग बहुत अच्छे हैं, गुरु बृहस्पति आपके धन भाव में विराजमान हैं, तो धन के योग बहुत अच्छे रहेंगे, आपके पास धन आएगा और आपके कैरियर में भी बहुत अच्छे फायदे होने वाले हैं। जो संतान की चाह है जिन लोगों की, उनके लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा अप्रैल तक, क्योंकि राहु पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जिससे संतान में देरी के योग बना रहे हैं। जो संतान की इच्छा है के लिए काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा अप्रैल के बाद, राशि परिवर्तन के बाद। आप कई ग्रहों की जब राशि परिवर्तन होगी, बृहस्पति करेंगे, शनि करेंगे, राहु केतु, क्योंकि उसके बाद आप प्लान करें तो आपको अच्छे योग मिलेंगे। स्टूडेंटों के लिए सही रहेगा, जो हायर एजुकेशन है उनके लिए अच्छे योग हैं। लोअर एजुकेशन वालों को अप्रैल तक थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए हर शनिवार को 8 साबुत बादाम और थोड़े से काले तिल, उनके ऊपर सरसों का तेल लगाएं, शनि मंदिर में दान कर दें, और पक्षियों को बाजरा और उड़द की दाल नियमित डालते रहें, आपको खुशहाली मिलती रहेगी। जी, हमने जाना कि 2022 इन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। अगर आपकी कोई दुविधा है, कोई शंका है, आपको किसी भी क्षेत्र में कोई दिक्कत है, पारिवारिक मैटर है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, स्वास्थ्य में परेशानी है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या दोस्तों के साथ मन हो रही है, कार्य क्षेत्र में दिक्कत आ रही है, तो इसकी किसी भी तरह की समस्या के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करें और वार्ता पैनल पर डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं। जी, आपका नया साल आपके लिए मंगलमय रहे, इस कामना के लिए जय श्री कृष्ण जी। For regular updates, follow our Instagram page right now.